हेलो एवरीवन, हमारा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप थंबनेल देख करके समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे आज मैं बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं जा रहा हूं सीधा आपको जो है कि वीडियो किस तरीका से जो है कि एडिट करते हैं उसी तरीका से आपको हम समझाने वाले हैं। क्योंकि मैं क्यों बता रहा हूं, उसका रीज़न क्या है, रीज़न यही चीज़ है कि जब हम लोग यूट्यूब में जब काम करने के लिए जब निकल गए थे, जबकि पता नहीं था, कोई यूट्यूबर से हम लोग सीखे नहीं थे, तो खाली हम लोग देखते थे तो हाँ किस तरीका से जो है कि वीडियो एडिट किया जाता है। लेकिन क्या होता है ना दोस्तों, कि हम लोग जो है कि अच्छा तरह से नहीं समझ पाते थे कि सच में जो है कि जो है कि एडिट कैसे करें। एडिट करने के लिए आपको आप समझ गए तो वीडियो यूट्यूब पे छोड़ने के लिए भी वो भी तो जानकारी होना चाहिए ना। अच्छा टाइटल, ऐसा अच्छा जो है कि टैग, अच्छा डिस्क्रिप्शन, ये सब जो है कि लगाना है, लिखना है जो टॉपिक पे आप काम कर रहे हैं। जैसे कि आपका मतलब जो भी वीडियो है, जैसे कि आपका मतलब है कि कॉमेडी है तो कॉमेडी का है, या फिर आपका ब्लॉगिंग करते हैं, आपका जो कैटेगरी का चैनल है वीडियो बनाए हैं तो उस कैटेगरी का टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन आपको लिखना जरूरी होगा। लेकिन आज मैं ऐसे बात करने वाला हूँ, इस तरीका से बात करने वाला हूँ कि शायद ही कोई समझा होगा और कोई बताया होगा। लोग जानते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोग जानते हैं लेकिन बताते नहीं है ना, इसका मतलब क्या है, इसका रीज़न क्या है। तो वही चीज़ मैं बताने वाला हूँ। और सच में आप लोग मेरा बात को फॉलो कीजिए, मतलब इग्नोर मत कीजिए। अगर आपको अगर विश्वास नहीं होता है तो आप हमको देख करके फॉलो कीजिए। और आपको एक दिन में 24 घंटा मतलब 24 घंटा के अंदर अंदर आपको जो वीडियो आप हमको देख करके आप जब छोड़ेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसे पता हो जाएगा, मालूम हो जाएगा कि सच में ज्ञानचंद वाला टेच, ज्ञानचंद वाला भैया हमको ऐसे बताया और मैं किया सही में जो कि मैं पास हुआ। मतलब अपलोडिंग करने के लिए तो आप लोग कैसे भी कर सकते हैं, सही बात है, कोई भी कर लेता है यार, मगर उसका वीडियो वायरल क्यों नहीं होता है, व्यूज क्यों नहीं आते हैं, कारण क्या है, रीज़न क्या है। वही रीज़न है कि हम लोग सही तरीके से नहीं जानते हैं। मतलब सीधा सी बात है कि मतलब आप कोई कैसे भी काम कीजिए, YouTube में जितना सारे हमारे भाई बहन जो भी मदर जो भी मेरे से अदर जो भी हैं बड़े छोटे बुजुर्ग लोग सभी कोई काम कर रहे हैं, आधे लोग कर रहे हैं आधे लोग नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन सब ये 5 उंगली है, सभी बराबर है क्या? किसी का आता है टाइटल देने के लिए, किसी को नहीं आता है, किसी के एडिट आता है तो कोई किसी को वो भी नहीं आता है। तो कहीं नहीं तो बड़ा यूट्यूबर वो तो ठीक है, वो बड़ा यूट्यूबर डायरेक्टली यूट्यूब में बड़ा यूट्यूबर ही मतलब बन गए थे क्या? उनको भी हम ही लोग के जैसे थे आम आदमी, जो बताते थे, कहते थे, करते गए उनका मंजिल मिल गया। हम लोग हैं तो लोग टिप्पणी कर देते हैं कि ऐसा बताता है वैसा बताता है, लेकिन नहीं यार, अच्छा बात, अच्छा एडिटिंग और अच्छा थंबनेल, अच्छा टाइटल, ऐसा डिस्क्रिप्शन हम लोग भी बता सकते हैं, हम लोग भी कर सकते हैं। मैं क्यों बताता हूँ आप लोगों को, क्यों समझाता हूँ, मेरा वीडियो पे जाके देखिए, मेरा व्यूज, मेरा हर चीज़ आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कि हमें मेरा दो दो चैनल है। तो पूछा पिछला वाला चैनल पे आप लोग देखे होंगे। तो मैं क्या ही बताए दोस्तों, मैं सभी कोई के सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ बहुत विस्तार से, अच्छा तरीका से जाके जो है कि आपको समझ मिले और सीख मिले। YouTube पे अच्छा टाइटल, अच्छा टैग, अच्छा डिस्क्रिप्शन सभी कोई बताता है। हर एक आदमी को वीडियो देखिए, हर एक यूट्यूबर के बारे में देखिएगा तो कोई सभी कोई इस टॉपिक पे वीडियो बना ही दिया है, लेकिन बताया है कि एडिटिंग ऐसे करना, टाइटल ऐसे लगाना, टैग ऐसे लगाना। भैया वो तो बात सही है, लेकिन लेके चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और किस तरीका से एडिटिंग होता है, किस तरीका से जो है कि टाइटल और टैग जो लगता है और कब लगाना चाहिए और कैसे करना चाहिए, वही चीज़ आपको हम बताएंगे। सही मैं बता देता हूँ कि जब हम लोग वीडियो जब शूट कर लेते हैं ना दोस्तों, जब वीडियो शूट कर लेते हैं और चलते हैं हम लोग यूट्यूब में छोड़ने के लिए, तो वहाँ पे देखिए टाइटल और डिस्क्रिप्शन दो ही आता है, बाकी कुछ नहीं आता है। और सच में मैं बता रहा हूँ, जो टाइटल है ना तो टाइटल में दे दीजिए और डिस्क्रिप्शन में दीजिए ज़रूर। और डिस्क्रिप्शन में मतलब थोड़ा ही मत दीजिए, थोड़ा पार्ट मत दीजिए कि आज मैं जा रहा हूँ मार्केट, तो आप टाइटल में भी यही डाल दिए हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आप यही डाल रहे हैं, तो ऐसा गलत ना करें। टाइटल में उतना ही रखिए और जो है कि मैं जा रहा हूँ मार्केट उसका भी पेस्ट डिस्क्रिप्शन में भी कीजिए, मगर आप जो है कि यूट्यूब पर जाइए कि मैं जा रहा हूँ मार्केट, वहाँ पर सर्च कीजिए और सर्च करके वहाँ पर पूरा बायोडाटा और जो है कि कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके ज़्यादा जो है कि उसमें ये डिस्क्रिप्शन में ऐड कीजिए, ताकि आपको हम बता रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मेरा स्क्रीन पे आप देख रहे हैं
किस तरीका से पार्टी चल रहा है। पता है ना आप लोगों को कि जब वीडियो हम लोग जब डालते हैं यूट्यूब पर, तो ये देखिए ज़्यादा नहीं, 2-3 सेकेंड के लिए, 2-3 सेकेंड के लिए ये जो पार्ट चलता है आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो हर एक आदमी को वीडियो में ये चलता है। लोग की जो भी एडिटिंग कीजिए, जो भी आप यूट्यूब पर वीडियो छोड़िए ना, तो अपलोड करते समय ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका रीज़न क्या है, इसका काम क्या है, क्यों ऐसे करता है, जो है कि वो बारीक बारीक से जो है कि कट आउट जो बता रहा है, इसका रीजन क्या है ना, कि जब आप वीडियो छोड़ते हैं ना, अच्छा टाइटल ऐसा, टैग और डिस्क्रिप्शन सारा चीज़ जो है कि आप मिला करके, तो आपका थंबनेल को देख करके, यूट्यूब वाला थंबनेल को देख करके, टाइटल को देख करके और जो है कि डिस्क्रिप्शन को देख करके वो समझ जाता है कि ये बंदा क्या काम किया है, कि मतलब कॉमेडी वाला किया है या फिर मतलब जो है कि डांसिंग किया है या सिंगिंग किया है या फिर कुकिंग किया है। तो सही में मैं बता रहा हूँ दोस्त, अगर मेरा बात को आप फॉलो करेंगे ना, तो कोई नहीं रोक सकता है आपको यूट्यूब पे ग्रो होने के लिए, कोई नहीं रोक सकता है। अब बड़ा यूट्यूबर बड़ा ये सब छोड़िए, सही है, वो लोग भी हम लोग के जैसा काम करके बेचारे लोग आगे चले गए हैं मेरे भाई लोग, सही है, लेकिन उनको गाते रहेंगे तो कैसे होगा, हम भी वही काम करेंगे तभी तो हम जाएंगे ना, कि हम खाली उसका खाली बात बोलते रहेंगे, बड़ा यूट्यूबर ऐसा है भैया, उतना बढ़िया है, सही है भैया, वो अच्छा कर्म किया, अच्छा सीखा, इसीलिए वो आज इतना बड़ा मतलब वो सिंहासन पर बैठा है, बात एक समझिए। तो हम लोगों के जैसे वो फिर नहीं रहा है, कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे। तो दोस्तों बिल्कुल ऐसे टाइम लेते हुए नहीं, लेके चलते हैं सीधा मोबाइल स्क्रीन पे, और सही में, और कब कब यूट्यूब पे जब वीडियो जब छोड़ने के लिए हम लोग जाते हैं, तो कहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन कैसे लगाया जाता है, उसी के लिए हम आपको समझाने वाले हैं। तो चलते हैं लेके आपको मोबाइल स्क्रीन पे, देख सकते हैं मेरा स्क्रीन रेडी हो चुका है दोस्तों, लेके चलते हैं सीधे यूट्यूब पे और अपलोड करके दिखाते हैं पूरा, जो है कि आपको समझ में आ जाए। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे यूट्यूब है, तो यूट्यूब पे हम जो है कि ओके मार लेते हैं दोस्तों, आप देखते रहिए ताकि हमको समझाने में ईजी होगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जो प्लस का निशान दिया हुआ है दोस्त, तो इसी को हम ओके मार लेते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मेरा जो गैलरी में जो मेरा वीडियो मैं शूट किया हूँ, वो वीडियो मेरा गैलरी में सेव है। तो जाहिर सी बात है कि आप लोग जब वीडियो एडिट करेंगे तो अपलोड करेंगे एडिट करके, तो आपको तो पता होगा ना कि गैलरी से उठा के लेकर के यहाँ से लोडिंग करना, तो सही तरीका यही है, सही तरीका यही है, आप समझ सकते हैं। तो इसके बाद में यहाँ पे मेरा वीडियो इस तरीका से जो है कि चल रहा है, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट ओके मार लेते हैं, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, तो इसको बिल्कुल होने दीजिए। और यहाँ पे देखिए मैं क्या बोला हूँ कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन यही दो ही चीज़ आता है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये लाइन पे, यहाँ पे देखिए क्रिएट टाइटल, यहाँ पे टाइटल देना है, और यहाँ पे जो है कि डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे पब्लिक अनपब्लिक, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कभी भी इस तरीका से जो रहता है ना, तो यहाँ पे रहता है क्या दोस्तों, यहाँ पे देखिए पब्लिक, यहाँ पे लिखा है अनलिस्ट, यहाँ पे लिखा है कि प्राइवेट, तो इसका मतलब क्या होता है, प्राइवेट मतलब आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट है भाई, कहीं का नहीं है। या इसके बाद में यहाँ पे होता है अनलिस्ट का मतलब होता है कि जो भी वीडियो आप छोड़ेंगे तो आप ही देख सकते हैं, बाकी कोई नहीं देख सकता। अब पब्लिक तो हर कोई के पता है भाई, पब्लिक तो पब्लिक हो गया। तो सबसे पहले आप वीडियो अपलोड करेंगे तो इसको ओके मार लीजिएगा अनलिस्ट पे। तो समझ सकते हैं दोस्तों मेरा अनलिस्ट किया हुआ है। तो अब यह ये जो वीडियो है, जैसे कि मेरा है कि मतलब ये जो वीडियो है, वीडियो की हमारा जो है कि मेरा वीडियो मैं शूट किया हूँ किस प्रकार से, जैसे कि YouTube का बैनर कैसे बना, तो समझ सकते हैं दोस्तों। तो डायरेक्टली यहाँ पे आने की हमको ज़रूरत नहीं था, तो अब चलते हैं इसे जो है कि हम काट देते हैं। देखिए YouTube से बैनर कैसे बनाए, काटते नहीं तर थोड़ा समझा देते, यहाँ पे लिख देना है YouTube से बैनर कैसे बनाए, तो लिख सकते हैं नहीं तो बोल भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए YouTube से बैनर कैसे बनाए, लेट होगा दोस्तों टावर की प्रॉब्लम से, नहीं तो यहाँ पे लिख देते हैं, मतलब जो भी आप लिखना चाहे तो लिख दीजिए YouTube से बैनर कैसे बनाए, और टाइटल में भी तो ही दीजिएगा ना कि YouTube से बैनर कैसे बनाए। लेकिन दोस्तों मैं हाथ जोड़ के मैं आपको जो है कि बता रहा हूँ और सिखा रहा हूँ कि ऐसा भूल के भी नहीं कीजिएगा, अपना दिमाग नहीं लगाइएगा। आप कैसा भी वीडियो शूट कर लीजिए, या मार्केट जाने पे, या खाना खाने पे, या किधर तो भी जा रहे हैं, शॉपिंग में जा रहे हैं तो भी, चाहे जो आप बताना चाहते हैं अपने वीडियो के माध्यम से, तो दोस्तों टाइटल और डिस्क्रिप्शन अपना से नहीं लिख के डालना,
सही बता रहे हैं मेरे भाई, नहीं डालना, क्योंकि हम लोग वही गलती है और यूट्यूब जो है कि हम लोग हमारा वीडियो को जो है कि सजेस्ट नहीं कर पाता है। मेन रीजन मेन गलत वहाँ पे कि अपना से टाइटल और डिस्क्रिप्शन तो देना ही नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों बैक आ जाते हैं ताकि आपको समझाने में हमको ईजी हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर इसको बिल्कुल हम काट देते हैं, हटा देते हैं दोस्तों, और फिर से चलते हैं यूट्यूब पर। यहाँ पर देखिए, और यहाँ पे सर्च में दिया हुआ है, और YouTube से पहले वो जो रीजन पे जिस टॉपिक पे आपका वीडियो है वही टॉपिक पे आपको वीडियो मांगना है। तो जैसे यहाँ पे हमारा बैनर कैसे बनाएं, बैनर कैसे, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों पहला नंबर में आ गया बैनर कैसे बनाएं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों बैनर कैसे बनाते हैं मनोज, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल जो है कि मनोज भाई का चल रहा है, आप समझ सकते हैं अभी एड चल रहा है दोस्तों। अच्छा तरह से हम समझाएंगे, ऐसे कीजिएगा तभी आपको जो है कि डाल गलेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा मेरे दोस्त, आप बात को समझिए। यहाँ पे देख सकते हैं स्वागत है तो मनोज भाई के पहला ही नंबर में क्यों आ रहा है, यही वाला ट्रिक वो करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। सच में हर यूट्यूबर यही कर रहा है, दूसरा कुछ भी नहीं कर रहा है मेरे दोस्त। अगर आपको अगर मेरे वीडियो से सीख नहीं मिले, आपको अगर यकीन नहीं होता है, तो सच में मैं हमको कमेंट में जो मर्जी जो इच्छा करे वो हमको बोलिए, मंजूर है। मैं सही बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं 24 घंटे यानी 2 से 3 दिन में आप मेरा ट्रिक लेकर के जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आप अपलोड कीजिए। और पहले का वीडियो में क्या था और रिस्पॉन्स, और अभी का वीडियो में क्या रिस्पॉन्स मिलेगा वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो कमेंट में आप जो बोलिएगा वो हमें मंजूर है, लेकिन ज़रूर देखिए। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो मनोज भाई का टाइटल में दिया हाउ टू मेक ए प्रोफाइल सी बैनर फॉर द यूट्यूब चैनल ओनली 5 मिनट में, क्या बात है, आप समझ सकते हैं कितना धासु है। तो इसको जैसे कि हम ओके मार लेते हैं, यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसको पूरा खोल लीजिए, यहाँ पे दिया है तो पूरा यहाँ पे देखिए मनोज भाई का सारा चीज़ डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीज़ है, से यही चीज़ आपको समझ लेना है। तो सबसे पहले करना क्या है दोस्तों, इसको तो आप हम क्या बोले थे कि अपना मन से टाइटल और डिस्क्रिप्शन तो देना ही नहीं है, सही में बता रहे हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जितना भी हमारे नए नए लोग होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर एक आने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप समझ सकते हैं, मैं बताता हूँ, मैं सिखाता हूँ, सच में मैं सीखता हूँ वही चीज़ मैं सिखाता हूँ। मेरा वीडियो ग्रो हो रहा है, मेरा अच्छा खासा चल रहा है, वही चीज़ तो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्त, हैं तो आप समझ सकते हैं। इतना ध्यान रखना है कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन अपना हाथ के वहाँ कमाल नहीं करना है, यहाँ ए वाला कमाल करना है, कॉपी पेस्ट करना है। आप समझ, हर यूट्यूबर कोई भी हो, कोई भी काम कर रहा है मेरे भाई, हर आदमी वही कर रहा है, कॉपी पेस्ट, आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ तक ज़्यादा नहीं, मतलब अभी इसको हम बैक कर देते हैं। ये यहाँ तक देखिए हाउ टू मेक फॉर चैनल 5 मिनट में, यहाँ तक जो दिखा है ना 5 मिनट तक वहीं तक आपको पहले कॉपी कर लेना है, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाइएगा भाई, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं दोस्तों, ये यहाँ तक राइट, आप समझ गए। और यहाँ पर देखिए कॉपी बिल्कुल हो चुका है दोस्तों, और इसे हम जो है कि यहाँ तक जो है कि स्क्रीन शॉट भी ले लेते हैं, ताकि स्क्रीन शॉट भी ज़रूरत पड़ ही जाता है। अब इसे बैक आ जाते हैं, अब चलते हैं अपना वीडियो अपलोड करने के लिए। यहाँ पे देखिए, और ये है मेरा वीडियो, और बैनर कैसे बनाएं इसके बारे में, तो और यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट करने के बाद आप ध्यान से देखिए, गड़बड़ाइएगा नहीं, हड़बड़ाइएगा नहीं। आप कॉपी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टाइटल आप देख सकते हैं दोस्तों, अब मनोज भाई वाला जो भी था टाइटल वो मेरे वीडियो पे ऐड हो चुका है, समझ सकते हैं। कोई बताए चाहे नहीं बताएगा दोस्त, लेकिन ज्ञानचंद वाला टच सच्चाई बताएगा और रियल बताएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लोग बोलने दीजिए, मगर जो भी बताएंगे वो सच्चाई बताएंगे आपको। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, और इसे जो है कि हम कॉपी कर लेते हैं, आप समझ गए होंगे, इसको भी हम कॉपी करते हैं, बस करना कुछ नहीं है, और फिर इसे जो है कि कॉपी कर लेते हैं दोस्तों, और इसके बैक करते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, और डिस्क्रिप्शन में ओके मारते हैं, इसे जो है कि फिर वहाँ पे डाल देते हैं। अब यहाँ से सीधे आप समझे, यहाँ पे देखिए बैक कर देते हैं, यहाँ पे देखिए आपका बिल्कुल टाइटल भी हो चुका है और डिस्क्रिप्शन भी आपका हो चुका है।
तो भैया इतना करने से नहीं होगा, अभी और कुछ करना है। और डायरेक्टली अपलोड मत कीजिएगा, नहीं तो मैं 24 घंटा दो दिन चार दिन का मैं टाइम बता रहा हूँ कि आपको जो है कि वीडियो से जो है कि कुछ आपको रिस्पांस मिलता है कि नहीं। तो हमारा ध्यान हमारा वीडियो का स्पीक कीजिएगा तो नहीं समझ में आएगा, फिर बाद में हमको नहीं बताना, कमेंट में उल्टा पलटा नहीं बोलना, बस सीधा बात है, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हो नहीं गया, यहाँ कट कर देते हैं, आप समझ गए हैं। तो वीडियो में हम क्या किए थे मनोज भाई का, स्क्रीन शॉट ले लिए थे, तो स्क्रीन शॉट लिए थे तो स्क्रीन शॉट के कमाल देखिए कहाँ पे ऐसे, यहाँ पे देखिए कॉपी टू नेक्स्ट, इस पर ओके मार देते हैं दोस्तों। ये वाला आप जाइएगा प्ले स्टोर पे, वहाँ से डाउनलोडिंग कर लीजिएगा, मेरा कॉपी पेस्ट है, तो इसको ओके मार लेते हैं, आप समझ सकते हैं। तो सबसे नया वाला हमको ऐड करना था, न्यू, यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश जो भी अपना करना चाहते हो कर लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यही है मनोज भाई का, यहाँ पे देखिए आ गया ना। तो अब यहाँ पे देखिए इस तरीका से बड़ा छोटा कर सकते हैं। फ़ायदा क्या होता है इससे फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, कॉपी पेस्ट मतलब उनका स्क्रीन शॉट ले लीजिए और यहाँ से ओके कीजिएगा ना, तो उनका जो भी टाइटल डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है ना कॉपी हो जाएगा और वहाँ पे पेस्ट करना है। कोई नहीं बताएगा, मैं लिख के दे देता हूँ आपको, यूट्यूब पर भोंकता है, भोंकने वाले को भोंकने दीजिए, मगर आपको ग्रो होने के लिए कोई टाइम, मैं बड़ा यूट्यूबर के लिए नहीं सिखा रहा हूँ, मैं किनको बता रहा हूँ जो इस लाइन में काम करना चाहता है, जो जिनको कुछ पता ही नहीं है, कुछ मालूम ही नहीं है, मैं उस भाई को मैं बता रहा हूँ, उस बहन को, उस माताओं, उस पिताओं को मैं बता रहा हूँ, उस बड़े बुजुर्गों को मैं बता रहा हूँ कि मेरा वीडियो देख करके आपको जो है कि आगे तक जाइए, ज्ञानचंद वाला टेच आगे जाता है, तो मैं आप लोगों का हाथ पकड़ के खींच के लेके चलेंगे, चलो मेरे साथ। सही में यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इस तरीका से है, और इसके बाद में यहाँ तक यहाँ मनोज भाई के जहाँ तक वीडियो वहाँ तक करना नहीं है मेरे दोस्त, बस डिस्क्रिप्शन और यहाँ तक। इसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये वाला निशान दिया हुआ, इसी को ओके मार देना है, डन कर देना है। देखिए इसको एड चल रहा है, एड को हटा दीजिए, आप समझ सकते हैं, इसे जो है कि हटा देते हैं, कॉपी पेस्ट हो गया है। और ध्यान से देखना है, यहीं पे समझना, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। यहाँ पर टच कीजिएगा तो इसको कुछ छेड़छाड़ी नहीं करना है, जितना मनोज भाई के जो भी टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वो मेरा यहाँ पे आ चुका है, आप समझ सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला राउंड, तो इसी को दबा के रखना है, जैसे मैं दबा के रखता हूँ तो हो गया दोस्तों। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल मतलब सेलेक्ट ऑल, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉपी, समझ गए हैं दोस्तों। तो मेरा कॉपी हो गया है, अब चलते हैं यूट्यूब पर, यहाँ पे देखिए, अब इसको डिस्क्रिप्शन में थे ना, डिस्क्रिप्शन में थे दोस्तों, तो शायद अभी रुकिए एक मिनट, हाँ आ गए डिस्क्रिप्शन में। और जो थोड़ा सा हटा देते हैं, थोड़ा एक डंडा लगा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि हुआ कि नहीं हुआ, हकीकत होता है कि नहीं, तो वही चीज़ आपको बता रहे हैं। और यहाँ पे देखिए पेस्ट कर दिए तो, और यहाँ से ऐसे भगा दिए, आप देख सकते हैं जो भी मनोज भाई का जो भी टाइटल टेक डिस्क्रिप्शन था, मनोज भैया का, मनोज सर का, तो सारा चीज़ मेरे ऊपर आ गया। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि सही में इसी तरीका से और होता है, और यहाँ पे बैक आते हैं और बाकी सारा चीज़ प्रोसेसर अच्छा है, तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है दोस्तों, और यहाँ पे अपलोड जो दिया हुआ है दोस्तों, और यहाँ पर डायरेक्टली अपलोड कर दीजिए। तो सर दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको जो है कि सीख मिला होगा, और इस वीडियो के यहाँ तक एंड कर देते हैं दोस्तों, जब तक आगे बात करेंगे दूसरा वाला ब्लॉग में, जब तक बाय बाय।